नमस्कार, हंगामा न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। उत्तर प्रदेश में सातवें व आखिरी चरण का चुनावी जंग अब पूरे देश का चुनावी जंग बन चुका है। जी हां, वाराणसी पूरे देश की नजर में है। ये हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है, जहां पे 15 मई को कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं 16 मई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी वाराणसी में डेरा डालने की तैयारी में है। इसी क्रम में चुनाव प्रचार थमने से ठीक एक दिन पहले महागठबंधन ने रैली कर अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन किया। जी हां, महागठबंधन के तीन दिग्गज नेता वाराणसी में एक ही मंच पे मौजूद रहे, जहां से उन्होंने पूर्वांचल को साधने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ विपक्षियों के खिलाफ जमकर हुंकार भी भरी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में अहम सीट बनारस में गुरुवार को सपा बसपा रालोद गठबंधन ताकत दिखाया। संत रविदास की स्थली सीर गोवर्धन में दोपहर में जनसभा को संबोधित करने मायावती, अखिलेश यादव व अजीत सिंह पहुंचे। जनसभा को तीनों दलों के प्रमुख बनारस के साथ ही चंदौली व मिर्जापुर में भी चुनाव को धार देंगे। इसके लिए सुबह से ही सपा और बसपा कार्यकर्ताओं की कार्यक्रम स्थल पर जुटान भी शुरू हो चुकी थी। वाराणसी के सीर गोवर्धन में जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गलत नीतियों की वजह से ही फिर पार्टी को केंद्र और राज्यों की सत्ता से वापस होना पड़ा। अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस लंबे अरसे से सत्ता में रही, मगर कांग्रेस ने गरीबी बेरोजगारी दूर नहीं की और वही काम वर्तमान सरकार ने भी किया। बीजेपी ने भी बस लोगों को जुमलेबाजी दी और कुछ नहीं दिया। बीजेपी ने जनता को छलने का काम किया है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव जिस समय हम आप मिल रहे हैं चुनाव प्रचार का है, कल प्रचार खत्म हो जाएगा, फिर वोट डालना है। आप दिन गिन ले, अब केवल 7 दिन बाकी है देश को नया PM मिलने जा रहा। आप गिन लो, आज के बाद केवल 7 दिन है, फिर एक नया PM होगा। बनारस के सभी लोगों से अपील करने आया हूं, कितने लोग धोखा खाए हैं। यह धोखा खाने वाली, धोखा देने वाली सरकार है, यह धोखे वाली सरकार है, और PM ने कितनों को धोखा दिया है। प्रधानमंत्री की लक्ष्य जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि आने वाले समय में महागठबंधन आ रहा है। ये घबराए हुए हैं और ठीक कहा आदरणीय मायावती जी ने कि अब सो नहीं पा रहे हैं, घबराए हुए हैं और अब हार चेहरे पे दिखाई देने लगी है। और केवल यूपी से नहीं घबराए हैं, बंगाल से भी घबरा गए। रास्ते पे देश को बनाने का काम किया हो, आप सोच समझ करके कभी ठंडे दिमाग से सोचना। जो रास्ता कांग्रेस का है वही बीजेपी का है, और जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, और बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। एक बार फिर अपने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शालिनी यादव जी के लिए आपसे सहयोग और मदद मांगने आए।